सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ सोनालिका के दो ऐसे ट्रैक्टर जो पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में धमाल मचा रहे हैं आजकल। पहला ट्रैक्टर है सोनालिका DI 35 जो कि 39 HP का ट्रैक्टर है। दूसरी तरफ है सोनालिका DI 750। भाइयों, ये ट्रैक्टर 55 HP की श्रेणी में ट्रैक्टर आता है। सिकंदर सी दो ट्रैक्टर मॉडल है। सोनालिका 750 टॉर्क प्लस में आ चुका है और सोनालिका 35 DI ये ट्रैक्टर सिकंदर में ही आता है। भाई वो दोनों ही ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। काफ़ी हद तक किसान भाई इस ट्रैक्टर से संतुष्ट हैं क्योंकि भाई इस ट्रैक्टर की डीजल खपत और हॉलेज का काम के लिए ट्रैक्टर वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ट्रैक्टर है सोनालिका का। ये दोनों ट्रैक्टर अलग अलग रेंज के ट्रैक्टर, बाकी दोनों ट्रैक्टर फीचर्स है वो बोल लगभग ही सेम ही है दोनों ट्रैक्टर में। बिल्कुल इस ट्रैक्टर में भी 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलते हैं और सवाल का DI 750 में भी 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। साथ में इसमें ऑप्शन में हाई लो मीडियम का भी कंपनी ने ऑप्शन दे दिया है। भाई इस ट्रैक्टर के टायर है DI 35 के, इसमें 13-14 के टायर आते हैं और गेयर बॉक्स दोनों ट्रैक्टर का बिल्कुल सेम आता है जो बुल प्रीमियम में होता है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। खिंचाई के मामले में ये गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, इस पर स्लिपेज की समस्या बिल्कुल नहीं होती है। दोनों ही ट्रैक्टर में रिवर्स पीटी मिल जाती है। सोनालिका 35 में इसमें 1800 kg की लिफ्ट क्षमता मिलती है और सोनालिका 750 में इसमें 2000 kg से 2200 kg की लिफ्ट क्षमता मिल जाती है। भाई सेक्टर में दोनों ट्रैक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं। सोनालिका DI 35 में सिंगल मिलता है जबकि 750 में डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है। मडगार्ड पे फेंडर मिल जाते हैं, साथ में सी दोनों ट्रैक्टर की एडजस्टर मिल जाती है। हाइड्रोलिक आर्म भाइयों काफ़ी ज़्यादा हैवी दिए गए हैं। इंडिकेटर बिल्कुल सेम है, मडगार्ड पे सिर्फ ग्रिल नहीं है लगी हुई इस पर DI 35 पे, बाकी बिल्कुल दोनों ट्रैक्टर सेम है बिल्कुल। और भाइयों दोनों ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग का पंप और हाइड्रोलिक पंप दोनों ट्रैक्टर में अलग अलग दिए जाते हैं। DI 35 में भाई उसमें सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग आता है क्योंकि भाई छोटा ट्रैक्टर है तो भाई इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है इस हिसाब से। और 750 में हैवी एक्सल आता है, एडजस्टेबल एक्सल होता है, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया जाता है क्योंकि भाई बड़ा ट्रैक्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट भी है। और भाई DI 35 में जो फ्रंट एक्सल है वो नॉन एडजस्टेबल मिलता है जबकि 750 में एडजस्टेबल मिल जाता है। बम्पर की फिटिंग के लिए दो ट्रैक्टर में चूल्हा मिल जाता हैवी ड्यूटी बम्पर की फिटिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं इस पर। ये टॉर्क प्लस मॉडल भाई ट्रैक्टर का टॉर्क कंपनी थोड़ा बढ़ा दिया है, इसका टॉर्क 235 Nm कर दिया। पहले इस ट्रैक्टर में 210 Nm का टॉर्क मिलता था। भाई ये है DI 35 में 167 Nm का टॉर्क मिलता है जो कि 39 HP की श्रेणी में ट्रैक्टर आता है। भाई ये इसमें भाई 30 सिलेंडर का इंजन मिलता है बॉस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ। भाई इस ट्रैक्टर में सेम इंजन मिलता है 4 सिलेंडर का। अगर भाई ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।